हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश, और आज के दिन फिर से एक बार वंस अगेन जो आप लोगों की सबकी फेवरेट टॉप सेलिंग कार टाटा पंच लेकर आ चुका हूं, जिसमें इस बार हमने कुछ ऐसी एक्सेसरीज पे ध्यान दिया हुआ है जो नेचुरली बहुत ही परफेक्ट लगती है, और हर जगह से आप जब कार को देखते हो तो एक एलिगेंस लुक और जो लग्जरियस फील देना होता है कार को, वो हम लोगों ने इस कार को दिया हुआ है। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से। तो साइड प्रोफाइल से हम लोगों ने जो टाटा पंच होती है वो ऊपर से पूरी नॉर्मल सीलिंग्स होती है, तो हम लोगों ने उसको एक एलिगेंस लुक देने के लिए टाटा पंच के ABS रूफ रेल लगाया है विद द मैट फिनिश के साथ। इससे जो कार का लुक आता है वो एक मस्कुलर लुक तो आता है, साथ में जो इसकी प्रेजेंस होती है गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल से, क्योंकि गाड़ी एक SUV टाइप है, लेकिन रूफ रेल लगने से जो प्रेजेंस आता है कार का वो आप लोगों के सामने है। डोर वाइज़र मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप डार्क गाड़ी कोई भी गाड़ी लेते हो तो डार्क एडिशन कार में आप क्रोम लाइन वाले डोर वाइज़र इंस्टॉल करवाओ, और वो भी प्रॉपर गाड़ी वाइज। पंच के हैं तो प्रॉपर पंच के ही हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए फिल्म नहीं लगाई हमने इस कार में, सन कंट्रोल कर्टन्स लगाए हुए हैं जो एबल ब्रांड के आते हैं मैग्नेटिक वाले। हैंडल बाउल प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो गैलियो कंपनी के बाउल्स आते हैं वो ट्रांसपेरेंट वाले इंस्टॉल किए, कोई बाउल क्रोम वगैरह नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो क्लाइंट का टेस्ट था वो एकदम सिंपल और एलिगेंस था, कोई भी जगह से ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करना था कार को, इसलिए सिंपल ही एक्सेसराइज की है। आईपॉप डोर गार्ड इंस्टॉल हुए हैं जो ओरिजिनल आईपॉप के आते हैं वो। व्हील कैप्स उनको अच्छी वाली डायमंड कट में चाहिए थी, वो उन्होंने एक बहुत अच्छी डिज़ाइन पसंद की है वही हमने इसमें इंस्टॉल की है। और टाटा पंच अगर आप कार लेते हो तो इसमें ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है, और दूसरी डिज़ाइन इसमें परफेक्टली फिट नहीं हो पाती, इसलिए हम लोगों ने विजन डायमंड कट डिज़ाइन जो H24 ब्रांड के साथ आती है वो इंस्टॉल की हुई है। सो आप पूरा साइड प्रोफाइल देख सकते हो कि कितना नेचुरल और इफ़ेक्टिव लग रहा है आप लोगों को। साथ में बात करेंगे इस कार के पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, तो हम लोगों ने कलर प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हुए सिंथेटिक टेफ्लॉन कोटिंग इंस्टॉल किया हुआ है। सिंथेटिक टेफ्लॉन कोटिंग से होता क्या है, जो आपका कार होता है उस पर जो भी डस्ट वगैरह ठहरा रहता है, स्क्रैच हो जाते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। अगर आप नाखून भी मारते हो तो आपकी कार में स्क्रैच नहीं होता। और मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि जब भी आप नई कार लो तो पहले ही 3M का टेफ्लॉन कोटिंग या सिंथेटिक कोटिंग या सिरामिक कोटिंग जो भी करवाना है पहले ही करवाना है। अगर बाद में आप कराओगे तो स्क्रैच होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कोटिंग करवाना चाहिए, वो मैं आपको सलाह देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे तो फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे तो जो अपर DRLs हमने इंस्टॉल की हुई है, जो डे टाइम रनिंग लाइट्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक हेडलाइट बल्ब अभी हेलोजन ही रहने दिए है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखोगे कि इसमें जो बल्ब है वो हाई ब्राइट लाइट्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे। फॉग लैम्प हमने इस कार में 2-in-1 वाली इंस्टॉल की हुई है, हमारे पास दोनों थी, टाटा की जेन्युइन भी थी और वो वाली भी थी जो आपको वाइट LED बल्ब के साथ बताते हैं, लेकिन ये वाली जो 2-in-1 फॉग लाइट आती है इसका जो लाइट का थ्रो है वो आपको लास्ट वीडियो के एंड तक देखने को मिल जाएगा कि कितना अच्छा थ्रो इसका आता है। हॉर्न हम लोगों ने क्रेटा जैसे पॉपअप वाले हॉर्न इंस्टॉल किए हैं, ताकि जब भी आप हॉर्न को ब्लो करो तो साइड के सारे ट्रैफिक आप लोगों को कम हो जाए। और इस तरीके से जो फ्रंट प्रोफाइल का हम लोगों ने काम किया है वो आप लोगों को दिखाया, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे फ्रंट जो M-Tech के GT-Line कॉन्सेप्ट वाले डिफ्यूज़र जो आप मेरे लास्ट वीडियो में देखोगे वो आपको यहाँ पे करके देंगे। दूसरा, इस कार में एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ लगी हुई है, टाटा पंच के कोई भी वेरियंट में फ्रंट और रियर का DVR नहीं आता है, लेकिन इस कार के अंदर फ्रंट प्रोफाइल में हम लोगों ने यहाँ पर फ्रंट DVR कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि 180 डिग्री वाइड एंगल आप लोगों को फ्रंट में ही देखने को मिले, और रियर में भी हमने जो कैमरा का प्लेसमेंट किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सो आइए मैं दिखाता हूँ रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। सो रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में आप देख सकते हो स्पॉइलर इंस्टॉल हुआ है जो ABS क्वालिटी का है। ABS क्वालिटी के साथ जो कलर भी मैचिंग है वो स्पेशल जो ग्रे एडिशन आता है वही कलर का हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। ब्लैक कलर का भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आप गाड़ी को देख सकते हो एकदम नेचुरल टच दिए हुए हैं, कोई भी ज़्यादा जैजी कार को नहीं बनाया। रियर के डिफ्यूज़र भी बहुत जल्द लगने वाले हैं, क्योंकि हम फ्रंट के लगाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें रियर के भी लगाने पड़ेंगे।
और यहाँ पे रिवर्स कैमरा का जो हमने प्लेसमेंट किया हुआ है, जो टाटा पंच के टॉप वेरिएंट में आता है, वहीं पे हमने प्लेसमेंट किया है। और मैं सबसे बड़ी बात करना चाहूँगा आपको इंटीरियर ऑफ द कार की, जिसमें हमने बहुत ही प्राउडली प्रेजेंट कोको डिज़ाइन का फ्रंट एंड रियर का DVR जो इंस्टॉल किया हुआ है, उसको मैं आपको ऑन करके ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों, हमने जो इस कार में सबसे एलिगेंस और मेरा फेवरेट जो इस कार का वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट हम लोगों ने किया हुआ है क्रिएट, वो कोको डिज़ाइन का एंड्रॉयड स्टीरियो है। आन बान और शान है इस कार की, क्योंकि टाटा पंच के कोई भी वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर का DVR नहीं मिलेगा। हमने एंड्रॉयड स्टीरियो तो बहुत ही ज़्यादा फिटिंग किया, लेकिन ये वाला एंड्रॉयड स्टीरियो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो इसका जो लोगो है, जो स्टार्टिंग मेनू है, वो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ब्लैक ब्लू और रेड की थीम में आप लोगों को देखने को मिलता है। और जैसे ही आप कार को फर्स्ट टाइम ऑन करते हो, तो इस तरीके का 3D एलिगेंस आपको देखने को मिलता है। इससे होता क्या है, एक अच्छा एक टॉप वेरिएंट वाली फीलिंग आती है। और ये जो 3D एनिमेशन लोगो दिया हुआ है, इसमें आपको फ्रंट के कैमरे का देख ले आप कि आगे यहाँ पे पेड़ और दीवार है, वही कैमरे का विज़न देखने को मिल रहा है। और रियर में जो हमारे पीछे जो ग्रास वगैरह लग रही है, वही परफेक्टली इसमें आपको देखने को मिलती है। सो परफेक्टली जो 360 एंगल कैमरे में फ्रंट और रियर का परफॉर्मेंस होता है, वैसा ही आपको यहाँ पे एलिगेंस देखने को मिलता है। और दूसरी बात करना चाहूँगा कि जैसे सिर्फ हमें फ्रंट देखना है, तो पूरा 180 डिग्री वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, जो विंडशील से आप देख सकते हो कि ओरिजिनल क्या पोजीशन है और प्लेयर में किस तरीके से दिख रहा है। और रियर का भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे जूम एंगल के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इस तरीके से इसका जो 3D एनिमेशन है, ये बहुत ही दिलचस्प, इसमें एंड्रॉयड स्टीरियो हमने इंस्टॉल किया हुआ है और फुल कैपेसिटिव टच के साथ आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। फुल HD डिस्प्ले है, वीडियो की क्लैरिटी भी आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से आ रही है। कोई भी एंगल से अगर आप इसको वीडियो देखोगे, अगर रियर पे पैसेंजर भी बैठे हैं, तो परफेक्टली विज़न ही आपको देखने को मिलेगा। सो ये इसकी खासियत है। और सिर्फ रिवर्स कैमरा ऑन आप करते हो, तो भी आपको यहाँ पे परफेक्टली देखने को मिलेगा। और ख़ास बात इसकी ये है कि आप ऑन ड्राइव इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसमें दो USB है, USB 1 में आप अपने वीडियोज़ वगैरह रख सकते हो, और USB 2 में आपको 64 GB तक का स्टोरेज मिलेगा, जिसमें आप 5-5 मिनट के या 3-3 मिनट के शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसमें होता क्या है कि जो भी पहले के वीडियो होते हैं, वो डिलीट होते जाते हैं, और पीछे के नए नए वीडियो जो है वो आगे आते जाते हैं, तो ऑटो डिलीट का फंक्शन भी इसमें देखने को मिलता है। सो मेरी तरफ से ये बहुत ही अच्छा, एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मुझे एक अच्छा सा DVR लगाना है, एक म्यूज़िक सिस्टम लगाना है, और उन्होंने बहुत सारा सोच समझ के लिस्ट बनाया हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो उनको गाइडेंस दिया है, उम्मीद करता हूँ कि क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। और लास्ट में आपको रिव्यू में बताता हूँ कि सर को कैसा लगा जो एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमने एक फ्लैग लगाया, इंडियन फ्लैग, जो सत्यमेव जयते वाला है, वो भी हम लोग खादी का ही यूज़ करते हैं। अगर आपको फ्रंट ग्लास विंडशील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप फ्रंट ग्लास में विंडशील्ड फिल्म लगा सकते हो, ताकि जो डैशबोर्ड में हीट आती है वो भी आप प्रोटेक्ट रहे। और दूसरी बात करना चाहेंगे कंपनी के, जो नॉर्मल जब आप कार लेते हो तो सिर्फ मैनुअल कीज़ आती है, लेकिन हम लोगों ने जो है फ्लिप वाली सेंट्रल लॉक किट इंस्टॉल की हुई है, जो RD ब्रांड की आती है, फ्लिप की वाली। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दो रिमोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, 3 ईयर्स की वारंटी है, आफ्टर सेल सर्विस भी अवेलेबल है। और हमने जो स्टेयरिंग कवर इंस्टॉल किया हुआ है, जो ब्लैक कलर का, वो भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो, जो जिग जैक थ्रेड वर्क हम लोग हमेशा करते हैं वही। पार्टी का बजट के हिसाब से बहुत सारा खर्चा हो गया है, इसलिए हमने अभी स्टीयरिंग कंट्रोल बटन नहीं लगाया, लेकिन बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि स्टीयरिंग कंट्रोल बटन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सर का जो बजट था, उन्होंने जो भी प्रायोरिटी थी, उस हिसाब से 7D मैट इंस्टॉल करवाई है, वो आप देख सकते हो कि ऑटोटेक ब्रांड की 7D मैट, मीन्स के जो सर का बजट था, लेकिन जो प्रायोरिटी के साथ जो उन्होंने खर्चा करना था वो दिल से किया है, वो भी आप देख सकते हो। ऑटोटेक ब्रांड की उन्होंने प्रीमियम 7D ही लिया। लेफ्ट साइड को ड्राइवर का भी आप फिटमेंट चेक कर सकते हो, और रियर की भी मैं आपको फिटिंग चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आपके रियर की 7D का भी फिटमेंट प्रॉपर डोम टू डोम है। एक्सेलेटर से जहाँ पे आपने देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी जो भी एजेस होते हैं परफेक्टली कवर्ड हो जाते हैं। और 7D मैटिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी ग्रास दी हुई है, वो आप इजीली पकड़ के
झाड़ सकते हो और एकदम इजीली क्लीन करके वापस रख सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको वेलक्रो देखने को मिलते हैं। नॉर्मल चालू कंपनी की जो 70 आजकल आ रही है उसमें बटन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वेलक्रो वाला कॉन्सेप्ट से आपकी गाड़ी में ईजीली क्लीन हो जाएगी। और क्वालिटी अगर आपको लगवानी है तो ऑटोटैक ही मेरी तरफ से बेस्ट है। और इस कार में भी फ्रेंड्स हम लोगों ने पंच लिखे हुए LED स्कॉपलेट सर को सजेस्ट किया है, क्योंकि पंच लिखे हुए LED स्कॉपलेट लगने से जो ब्लू कलर का एलिगेंस लाइट देखने को मिलती है, और जब भी आप कार कहीं पे पार्क करते हो तो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो स्कॉपलेट होती है। इसमें हमारे पास SS वाली भी अवेलेबल है। और दूसरा, हम लोगों ने इस कार में भी वन ऑफ द बेस्ट एम्बियंट लाइट का कॉम्बो कॉन्सेप्ट इस कार में भी हमने किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 4 doors में एम्बियंट लाइट स्मोक फिनिश वाली, यहाँ पे आप पाइप चेकआउट कर सकते हो, कोई भी जगह से आपको पता नहीं लगेगा कि एम्बियंस लाइट आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई है, परफेक्ट एज टू एज इंस्टॉल हुई है। इसको मैं नाइट मोड में सिनेमैटिक देखने को आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारी नई क्रिएटिव एक्सेसरीज है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा एंटरटेन भी दे सकती है और लग्जरियस कार को एक फील दे सकती है। दूसरा, हमने इस कार के अंदर इस बार सबसे पहली बार वडोदरा में ये जो टो स्ट्रैप, ये स्ट्रैप आते हैं जो आपके बेल्ट, सीट बेल्ट आप जब लॉक करते हो तो यहाँ पे ये जो पट्टा होता है इससे एक कंफर्ट मिल जाए, इसलिए स्पंज वाले स्पार्को के सीट बेल्ट रो स्ट्रैप हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। जो 2 पीस आते हैं वो इस कार में हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। हमने जो हॉर्न इंस्टॉल किए हैं वो वाटरप्रूफ वाले अभी लेटेस्ट आए वही इंस्टॉल किए हैं। आपको मैं इसका एक ब्लो चेक करवा देता हूँ कि जैसे ही मैं हॉर्न का जो क्लैरिटी है, पतला और एकदम कंफर्ट हॉर्न हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, ना कि ज़्यादा लाउडनेस वाला, एकदम शार्प क्लैरिटी वाला हॉर्न हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। मैग्नेटिक कर्टन आप देख सकते हो एबल के है, इजीली आप ऐसे लॉक कर सकते हो और वापस इसको लगा सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो टाटा पंच सर लेकर आए थे, ओनर ऑफ द कार संजीव भैया, जो अपनी फैमिली के साथ अब कार लेने आए, सुबह से हमारे वहाँ थे, उन्होंने सब कुछ देखा अपनी आँखों से और परफेक्टली हम लोगों ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने उनको वर्क डन करके दिया है। अब आपको बताना चाहेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ जगदम्बा कार एस्टेट के साथ वो कैसा रहा, उन्हीं के मुंह से आप सुनना चाहो तो मिलते हैं। सर, थैंक यू कहना चाहेंगे आपको जो ट्रस्ट करके आपने हमें एक कार दी, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं जब ये लॉन्च हुआ टाटा पंच, तब से प्लान कर रहा था, जनवरी में बुक किया और तब से इनका वीडियोस देख रहा हूँ, ऐसे सर्च करते इनका वीडियो मिला था। इनका काम बहुत एकदम प्रोफेशनल है और कोई एकदम सिंसियर जॉब है, प्रोफेशनल। और इनका जब से बुकिंग हुआ था तब से कुछ ना कुछ उनकी इंक्वायरीज थी, मैंने उनका सब रिप्लाई दिया था। ये भी बहुत पॉजिटिव ये है कि उनके साथ कोई डील भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सब प्राइस, एक एक माइनर चीज़ का भी प्राइस उन्होंने दे दिया था। और काम, उनका टीम वर्क, उनका जो भी, इन्होंने सभी लोग एकदम, और जो सर हमने सजेस्ट भी किया वो कैसा रहा आपको, जो DVR वगैरह का सेटअप दिया था, डैश कैम, रियर कैम, पहले मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन उन्होंने जो सजेस्ट किया वो बहुत अच्छा चीज़ था, वो 2-in-1 चीज़ हो गया। तो उनका मतलब पूरा सेटअप, हम लोग पहले DVR अलग लगाने वाले थे और एंड्रॉइड स्टीरियो अलग लगाने वाले थे, तो मैं बोला सब वायरिंग वगैरह अलग लग गया, उसी रेट के अंदर हम लोगों ने एक पूरा कॉम्बो इंस्टॉल किया ताकि जो कार है उसमें कोई भी फील, मतलब ऐसा बेसिक सा लगे ना, ऐसा मैंने कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को भी सबको अच्छा लगेगा। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आशीर्वाद के साथ आगे और गाड़ियां भी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू सर।